रानी। इनका पोता बहुत ज्यादा बीमार था, उसके दोनों गुर्दे खराब थे, वे बाथरूम बंद हो गया था, वे खाना पीना भी नहीं खा पाता था। ये उसे डॉक्टर के पास लेकर गए पर आराम नहीं आया जी, उसे जयपुर भी लेकर गए और वहां से इन्हें जवाब दे दिया। फिर इन्होंने पिछले संडे को चमत्कार चर्च में आकर प्रार्थना लिखवाई, उसके बाद इनका पोता ठीक होने लगा है। अब वह खाना भी खा रहा है और उसका बाथरूम भी नॉर्मल आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर दा। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, परमेश्वर ने वचन लिखा, मैं जिंदा परमेश्वर है जो कि मैं पुकारता मैं उत्तर भी देना। सच मोच परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, धन्यवाद करते परमेश्वर ने मेरा पोता आज दोबारा जिंदा होया, परमेश्वर की कृपा हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ क्या था? गुर्दे दोनों खराब सी, दोनों गुर्दे खराब थे। हाँ जी, और उसे उसके कारण जयपुर खड़ा सी, उन्होंने जयपुर खड़ा है, जयपुर वाले कहते भी पूरी तरह गुर्दे खराब है, ना तो उन्होंने बाथरूम आता ही ना वो कुछ खाता पींदा सी भी। अच्छा, बाथरूम भी नहीं आ रहा था। हाँ जी, इतने प्रार्थना लिखवाई ही ते उस तो बाद हुण ओदे जिहड़ा बाथरूम भी आ गया ते रोटी मुंडा मांगदा भुख लगी रोटी दो। अच्छा, खाना भी खा लिया। अब बाथरूम नॉर्मल आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, बाथरूम भी आ रहा है। ये आप पिछले संडे आए थे? हाँ जी हाँ जी, पिछले संडे आए, यहाँ मेरे पास आकर प्रार्थना करवा के थे मुझे। हाँ जी ठीक है। वो मूछों वाला भाई आपके साथ है, आया था? हाँ जी, आपको लेके आया था। क्या नाम उसका? राम प्रताप नाम होता का बटनिया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के लिए दोनों गुर्दे खराब थे, बाथरूम नहीं कर रहा था और इसलिए कुछ खा भी नहीं रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया। पिछले संडे यहाँ आए थे और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वीरा, इनकी छोटी बहन 14-15 सालों से बीमार थी, इन दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, बोल भी नहीं पाती थी, वह किसी को पहचान भी नहीं पाती थी, एक साइड बिल्कुल सुन हो गई थी। फिर ये चमत्कार चर्च में आए, वे इन्होंने अपनी बहन के लिए प्रार्थना करवाई। अब इनकी बहन पहले से ठीक है, अब वो बोलने भी लगी है और लोगों को पहचानने भी लगी है। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए। 14-15 सालों से बीमार थी लेकिन अब इन दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, बोल भी नहीं पा रही थी, पहचान भी नहीं पा रही थी, एक साइड सुन हो गई थी। जैसे चमत्कार चर्च से आकर इन्होंने प्रार्थना करवाई और वो अब बोलने भी लगी है और पहचानने भी लग गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या हुआ था? बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। कौन सी बहन? मेरी बहन छोटी। ओके, ते हुण बहुत ठीक आ सी, इत्थों प्रार्थना कराई ते वी सानू लैके आए साडा परिवार ही, ते कहंदे वी उत्थे चलो ठीक हो जूगी, ते बहुत ठीक आ। नहीं, उसे बोला नहीं जाता था, बोला नहीं जाता, जमा भी नहीं बोला जांदा सी सर, और पहचानती नहीं थी, जमा ही नहीं पहचानती सी, अक्खां खड़ियां सी, जमा ही मतलब बिल्कुल नहीं पहचानती, बिल्कुल ही नहीं पहचानती सी, जमा आंखें खड़ी हुई थी, आंखें खड़ी हुई सी, सांस ही चलदे सी, सांस आ चल रहे थे। हां, अब हुण गल भी करदी हो। वाओ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर आपने चमत्कार चर्च में आप आए? हाँ जी, यहाँ से प्रार्थना करवाई, जहाँ से प्रार्थना कराई। ओके, और अब पहचानने लगी है, बोलने लगी है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सांस चल रही थी बस, आंखें खड़ी थी, ना बोलती थी ना पहचानती थी, एक सैड सुननी होगी थी लिखा हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें इस चंगाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें इस चंगाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें इस चंगाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, अद्भुत प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। बस एक और लास्ट गवाही सुनेंगे,